brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं. मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए. दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए. मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए. मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए. मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज तक. सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं. 10 मई को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उसके बाद उनके नामों की खूब चर्चा हुई और ये भी कहा जाने लगा कि अब चुनावी माहौल में कुछ गर्माहट आएगी, दिल्ली की राजनीति में कुछ नया आएगा और सबसे ज्यादा कि सियासी बवाल भी देखने को मिलेगा. लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि जब उन्हें जमानत के लिए 5 जून तक के टाइम मांगा गया था तो उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कहा कि आप जज साहब इन्हें 5 जून तक की जमानत दे दीजिए. जज साहब ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होनी है, इसी वजह से इन्हें 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा. यानी अभी चुनाव में, दिल्ली के चुनाव होने में 10 से 15 दिन का समय बाकी है, यहाँ पर चुनाव होना है. लेकिन इसके बीच में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो 10 मई को उनके कार्यकर्ता एक बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे जिस पर लिखा हुआ था टाइगर इज बैक. और इसी टाइगर इज बैक की चर्चा इसलिए भी होने लगी अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो टाइगर इज बैक. ठीक ऐसे ही जब राहुल गांधी पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी, तो उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि टाइगर कोई शेर निकला है और ये चीजें खूब चर्चा हुई थी, खूब उनका वीडियो भी वायरल हुआ था. लेकिन 10 मई को अरविंद केजरीवाल आए, अपने माता पिता से मिले, ये बात यहीं खत्म हुई. लेकिन अगले दिन 11 मई को अरविंद केजरीवाल सुबह सुबह हनुमान मंदिर में गए, पूजा अर्चना की, बजरंग बली की पूजा अर्चना की. उन्होंने कहा कि बजरंग बली की कृपा हम पर है, हम विजयी होंगे. राजनीति में गर्माहट कितनी होगी, क्या कुछ होगा आगे, ये सब बताएंगे. लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है. उन्होंने कहा कि वन नेशन वन लीडर, ये इसी राह पर बीजेपी चल रही है और अगर मोदी की सरकार आती है तो फिर मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और फिर जो योगी आदित्यनाथ को वहां से निपटा दिया जाएगा. ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा. मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा. आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे. नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं. बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा. सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया. अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं. तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है. दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो, उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे. तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा.
क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। दूसरा सवाल ये उठ रहा था, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे और जेल में थे तो लोग ये पूछ रहे थे और विपक्ष के खासकर नेता ये भी कह रहे थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो फिर वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा क्यों नहीं देते थे, क्यों सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ देते। इसी को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर खुद ही जवाब दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं, मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। लेकिन सवाल एक ये भी है, सबसे गहरा सवाल ये है कि आखिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा मिला, ये बाद की बात है, मिले या ना मिले, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अभी चुनाव के माहौल में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक ही अरविंद केजरीवाल सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि पंजाब के 13 लोकसभा सीटों पर भी वो अपने चुनाव प्रचार करेंगे, दिल्ली में भी चुनाव प्रचार होगा, दिल्ली के 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में हैं और हरियाणा की 1 सीटें हैं जिस पर भी वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और वहां भी उस पर बयानबाजी होगी। लेकिन ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं क्योंकि 5 साल बाद चुनाव प्रचार आता है और इसमें बयानबाजी देने के लिए रोक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे संजय सिंह को जमानत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए रोक नहीं लगाई गई थी, वैसे ही कुछ शर्त है जो केजरीवाल को माननी पड़ेगी, जैसे सरकारी कामकाज के सरकारी दफ्तर नहीं जाएंगे, उस पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार में जरूर रहेंगे। सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर देते। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं, किसी कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको दो स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टेलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। इसके बीच में ये भी समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी के नेताओं में
जोश थोड़ा कम दिख रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से उनके कार्यकर्ताओं में जोश हाई हो गया है। चुनाव प्रचार के लिए भी एक नई उत्साह के साथ वो चुनाव प्रचार करेंगे और सबसे ज्यादा कि लोकसभा चुनाव के बीच में लड़ाई इंडिया गठबंधन के एक अहम चेहरा अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। उनके निकलते ही ममता बनर्जी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल आए हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है, जेल से उन्हें निकाला गया है। सबसे ज्यादा दिलचस्प अब लड़ाई होगी है दिल्ली को लेकर, दिल्ली के अलावे भी, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया वन नेशन वन लीडर का, ये भी कभी बयान आने वाले समय में भी बवाल मचा सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा नया अरविंद केजरीवाल के आने से, ये आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। और वो खास दिलचस्प दिन वो भी होगा जब 2 जून को अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल में सरेंडर करेंगे खुद को। फिर क्या कुछ होगा आगे की राजनीति में, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आई है केजरीवाल को लेकर, वो ये कि उनके कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ निकले हैं, उत्साह के साथ प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्राइगढ़ इज बैक। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।